नमस्कार, किचन हांडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ आलू हांडी चाट की रेसिपी शेयर करूंगी। यह चाट बच्चों की बहुत फेवरेट होती है। चलिए शुरू करते हैं चाट बनाना। चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 1 चम्मच चाट मसाला लिया है, थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ी सी काली मिर्ची, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर और 1/2 चम्मच काला नमक लिया है और इसको अच्छे से मिला लिया। चाट के लिए मैंने यहाँ पर आलू लिए हैं। अब इन आलूओं को मैं ऊपर से और नीचे से कट कर लूँगी। अब आलू के बीच में कट लगाकर इसका बीच का पार्ट निकाल लेंगे। आलू के बीच में चाकू को चारों तरफ से घुमाकर इसको अच्छे से निकाल लेते हैं। अब इस तरह से हम सारे आलू तैयार कर लेंगे। अब जो हमने मसाला तैयार किया था वो इसमें डालेंगे। ये मैंने बॉईल किए हुए चने लिए हैं। बॉईल करते समय मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया था। अब ये आलूओं में डालेंगे। अब इसमें इमली की चटनी डालेंगे। इसके बाद हरी चटनी डालेंगे। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद नहीं करते तो आप हरी चटनी कम ही डालें। इसके ऊपर थोड़ी सी प्याज डालें। फिर इसके ऊपर थोड़े से टमाटर डालें। अब इसके ऊपर अनारदाने डालेंगे। अब इसके ऊपर दोबारा से मीठी चटनी डालेंगे। फिर हरी चटनी डालेंगे। ये मैंने 2 चम्मच दही लिया है जिसमें मैंने नमक ऐड कर लिया है। इसको मैं चाट पर डालूंगी। अब इसके बाद भुजिया डालेंगे, क्योंकि भुजिया के बिना हमारी चाट अधूरी है। और ऊपर से हरा धनिया डालेंगे। लीजिए, हमारी हांडी चाट तैयार है। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।